के बेलागंज थाना क्षेत्र के डीहा में कोरीसराय के रहने वाले तीन युवक को चोर चोर कहकर ग्रामीणों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर डाला। इस मॉब लिंचिंग की घटना में एक युवक मोहम्मद बाबर की मौत हो गई। बाबर बेलागंज के कोरीसराय का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को यह लगा कि तीनों युवक की गतिविधि संदिग्ध है, जिसको देखकर भीड़ ने तीनों युवक को घेर लिया और जमकर पिटाई कर डाली। वहीं इस घटना में मोहम्मद रकीबुद्दीन और मोहम्मद साजिद गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि उनके लोगों को फोन कर बुलाया गया था, जिसके बाद स्कॉर्पियो से ये लोग पहुंचे थे और घात लगाए अपराधियों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। घायल साजिद के पिता ने बताया कि उनके गांव में ही जमीन विवाद को लेकर पिछले कई सालों से लड़ाई चल रहा है और मामला अभी कोर्ट में है। इन्हीं लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। घर कुरीसराय थाना बेलागंज जिला गया का निवासी हूँ। आज सुबह फजर के नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे थे बेलागंज से, बालदेव चौकीदार हमको फ़ोन किया कि चचा आपका लड़का साजिद और रुकनुद्दीन अब बाबर नाम का एक लड़का जो है मार के फेंका हुआ है पिपरा गांव के पास रोड पे, आपका स्कॉर्पियो गाड़ी भी है बंगाल नंबर। तो हम कहा था गाड़ी तो मेरा ही है जी, हाँ वहाँ से आए और आने के बाद न थाना आकर के हम चले गए पिपरा गांव में गए तो वहाँ एक नरेश नाम का हमारा आठ लेबर काम करता है जो हमारे मकान में काम लगा हुआ है कुरीसराय गांव में मोड़ पर स्कूल के पास, जहाँ दो महीने से काम लगा हुआ है। और लड़का मेरा साजिद अली कलकत्ता में रहता है, वहीं से काम कराने के लिए लेबर को पैसा उसे दे के आज जा रहा था पिपरा गाँव में। पिपरा गाँव में गया है उसको आज गाड़ी पकड़ना था, उसका रिजर्वेशन था पिपरा से कलकत्ता के लिए। अब बीच में उसको साजिद के तहत कुछ लोग जो है उसको गाड़ी को रोकाया और पकड़ लिया, उसको इतना मारा कि एक लड़का तो बाबर नाम का एक मेरा भगना है जिसका मौत हो गया और जो दो लड़का है आईसीयू में है। कौन लोगों ने मारा? मारने का साजिश सर, आज हमारे गांव में लड़ाई चल रहा है आज 10 साल से, कई आदमी ने कहा है कि तुमको मार देंगे साजिद को। तो क्या बोल करके मारपीट किया, क्या बोला, किसके साथ बोला होगा ना कि डायरेक्ट मारा? ऐसा है कि हम लोग के यहाँ गाँव में बहुत से लोग दुश्मन हैं, केस भी न्यायालय में चल रहा है। किस मामले के लिए दुश्मनी चल रहा था जी? किस मामले को लेकर? जमीन जायदाद की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि दोषियों को किसी हाल में भी बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ने बताया कि जानकारी के अनुसार ये तीनों आपराधिक घटना को अंजाम देने गए थे और जिस स्कॉर्पियो से गए थे उसमें से एक चाकू, तीन गोली और बम भी बरामद किया गया है। एसएसपी ने कहा कि घायल दो लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसएसपी ने कहा कि मृतक के पिता के दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया। बताया कि कुछ समय पहले ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, तो अनुसंधान उसमें जो भी जांच है वो चल रहा है, आवेदन प्राप्त होते ही उसमें अधिकतर अनुसंधान किया जाएगा। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये तीन जो व्यक्ति हैं उनका शायद कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला है और जो फर्दर डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर हम लोग रिपोर्ट्स में करते हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है क्या? डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ उसमें बरामदगी जरूर हुई है। जो उनके पास था वो डिटेल आपको हम लोग शाम तक शेयर करते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है ना? देखिए ये ऐसा कोई मामला इस प्रकार के प्रयास में प्रकाश में नहीं आया है और ये एक आपराधिक कृत्य है और इसमें अन्य कोई मामला नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।